हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेन सिमुलेटर 2017 या 2016 में भारत स्ट्रीम के इंडियन एडॉन के फ्री वर्जन को कैसे प्ले किया जाता है ट्रेन सिमुलेटर के किसी भी रूट में। सबसे पहले आपको अपना भारत स्ट्रीम अकाउंट जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ से आप अपना फ्री वर्जन जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो भी वहाँ पे फ्री आपको मिल रहा है, जैसे WDM3A, Web7, LHB, रेक AC2 टायर, EOG, इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक इसमें एक रिपेंड भी है Web7 का, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको एक फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, फोल्डर में सेव रख लीजिए। उसके बाद जो आपको अपना गेम का लोकेशन ओपन करना पड़ेगा, उस गेम के फोल्डर में एक आपको मिलेगा यूटिलिटीज नेम की फाइल मिलेगी, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करिए। इस यूटिलिटी से आप RWP टाइप फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं ट्रेन सिमुलेटर के लिए। यहाँ आपको जाना है पैकेज मैनेजर पे, इसके बाद आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो एक विंडो खुलेगा लोड पैकेज के नाम से। इसमें जो है आपको वही फोल्डर जो है टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे आपने सेव किया है। मैंने एफ ड्राइव में सेव किया है अपना, ये नेम से फोल्डर है IR नाम से। इसमें सारा मेरा भारत स्ट्रीम का एडॉन है, इसमें मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। WDM3A एंड LHB AC2 टायर, मैंने पूरा पैक ले लिया LHB का, तो इसलिए मेरा ये वाला रहता है LHB रेक 7 कोचेस। ये तो मैं सिर्फ इसी को इंस्टॉल करता हूँ, ये सिर्फ बहुत सिंपल है इंस्टॉल करने के लिए। सिर्फ इस पर आपको इसे क्लिक करना है, फिर इस पर इधर ओपन पे क्लिक कर देना है, बस ये ले लेगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे आपको गेम ओपन करना है। लेकिन यूटिलिटी से आपको कोचेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सेम ऐसे जैसे मैंने लोको का किया है, लोकोमोटिव का, ऐसे आपको कोचेस के भी करने पड़ेंगे। अब सीधे आपको गेम ओपन करना है। गेम आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने बाई किया है स्टीम एडिशन से, तो आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ फोल्डर से। ये देखिए गेम ओपन हो गया है। अब इसमें जो है आपको सीधे बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद आप कोई भी रूट सेलेक्ट करिए, सिर्फ अगर आप फ्री एडान प्ले करना चाहते हैं। एक डीजल इंजन है और दो दो तीन इलेक्ट्रिक फ्री हैं और एक AC2 टायर, उसके लिए आपको सिर्फ जो है सीधे कोई भी रूट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये वाला किया है मोनिस्ट्रो अग्सबर्ग, ये जो है इसको सिर्फ एडिट करना है आपको। एडिट पर क्लिक करिए, ये लोडिंग लेगा। इसमें सिर्फ प्लेयर ट्रेन ही रन होगी। ये देखिए ओपन हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस रूट में सब ब्लैंक्स है, इसलिए मैं इसको वापस जाता हूँ, दूसरा रूट सेलेक्ट करता हूँ। वापस जाने के लिए यहाँ पे मैंने वापस गया ये, अब मैं जा रहा हूँ दूसरा रूट सेलेक्ट करने के लिए। ये हो सकता है इस पर लॉक लगा हो इसलिए ये एडिट ना हो रहा हो। मैं इसमें अपना ले लेता हूँ अपना ये इंडियन रूट लुधियाना टू अम्बाला, यही मैं ले करके आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप कोई भी रूट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास लुधियाना नहीं तो और किसी रूट में आप ट्राई कर लीजिए। मैं लुधियाना रूट लिया हूँ। इसके ओपन होते ही आपको सीधे जो है इसके एनरियो टूल्स पे क्लिक करना है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है इसके एनरियो टूल्स। तो मैं एक इसके एनरियो बना कर दे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ट्रैफिक ट्रेन की तो वीडियो तो पड़ी है, वैसे आप उसको देख करके आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये देखिए ओपन हो गया, ये हम अभी लुधियाना पे हैं। इसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं आप खुद मैनुअली।
जैसे ये लुधियाना पे भी है तो मैं इसको अम्बाला पे ले जा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर हम जैसे इस प्ले करने के लिए ओपन किए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देखिए एकदम ऊपर है ब्रश पेंट पेंटिंग टूल्स के बगल में है ये स्कैंडियो टूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर फिर आप यस कर दीजिए, ये एक बार फिर दोबारा लोडिंग लेगा। ये स्कैंडियो एडिटर होता है, ये देखिए ओपन हो गया। मैं चाहूँ तो ट्रेन जो है अम्बाला कैंट से स्टार्ट कर दूँ, तो उसके लिए इसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अम्बाला कैंट करना पड़ेगा। अम्बाला कैंट करने के लिए सबसे पहले आपको 9 प्रेस करना है, नंबर वाला बटन 9, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए प्रेस हुआ। अब इसका जो है ये आप यहाँ पे ले जाइए माउस की सहायता से, इसको आप अम्बाला पे ले जाइए। देखिए मैं ले जा रहा हूँ इसको, ये बहुत आसान है। ये देखिए अम्बाला कैंट है यहाँ पे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है और ये माउट का लेफ्ट बटन जो है ये क्लिक कर देना। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं का ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वहाँ का हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो ऊपर GPS डिटेल दिख रही है इसमें आप प्ले का बटन देख रहे हैं, बस इसी प्ले के बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर माउस का लेफ्ट बटन आप जब प्रेस करेंगे तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये देखिए आ गया। अब हम जो हैं यहाँ पे आ गए हैं अम्बाला कैंट पे। अब मैं यहाँ पे इंडियन एडन को लगा रहा हूँ फ्री रोम के लिए, कैसे पुट किया जाए तो वो आप देखते जाइए। इसमें सबसे इसका जो टाइमिंग चेंज करना होता है तो जब ये विंडो खुलती है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहीं से आप पहले चेंज करिए जिस टाइम पे आपको अपना प्ले ट्रेन रन कराना है। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसका 9 बजे का कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब ये ओपन होगी स्कैंड्रियो या एक्टिविटी जो भी आप बोलें, तो ये 9 बजे से ओपन होगी, 09। ये देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे एक राइट साइड में आपको दिखेगा, सॉरी ये जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये दिखेगा आपको ब्लू कलर का स्क्वायर, उसके नीचे आपको यहाँ पे एक दिखेगा और ब्लू कलर का है, इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सेट एडिटर। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये फिर जो है दोबारा राइट साइड में ओपन होगा, इसमें जो है आपको सारे वो दिखेंगे एडॉन के पैक। यहाँ से आपको अगर आपको भारत स्ट्रीम का प्रोडक्ट इनेबल करना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा 80 लाइक, 80 लाइक पे आप क्लिक करिए। ये देखिए नीचे आएगा इसका विश्वजीत नेम से, जिन्होंने बनाया उनका नाम है ये। यहाँ पे आप जब आप क्लिक किए यहाँ पे जब टिक लगा रहेगा तभी यहाँ पे लिस्ट में वो चीज़ उनका डिटेल वो शो करेगा। अभी मान लीजिए टिक लगा हुआ तो इनका प्रोडक्ट शो करेगा यहाँ पे। ये देखिए BS नाम से इनका प्रोडक्ट, ये देखिए दिख रहा है सब BS 5, WDG4, WDG4 LO, WDM3। अगर मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सब गायब हो गया, यहाँ पे BS नाम की कोई फाइल नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, जब तक ये नहीं रहेगा तब तक वहाँ पे वो इनेबल नहीं होगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। यहाँ मैंने टिक किया, अब यहाँ पे देखिए आ गया सब। अब मैं यहाँ पे WDM3A ले रहा हूँ प्ले करने के लिए फ्री रोम में। ये देखिए इसका आप ये चेंज कर सकते हैं LHF और SHF मोड जो होता है इंजन का, ख़ास तौर से डीजल में WDM3A और WDG4 में ये होता है LHF और SHF, ये चीज़ इस पर आप जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ ऊपर आ जाएगा चेंज करने के लिए डायरेक्शन। यहाँ तो देखिए मैं चेंज कर दिया हूँ, उसी पे आपको क्लिक करना था, ये चेंज होगा। ये लोकोमोटिव प्लेस करने के बाद आपका सबसे मेन चीज़ होता है इसके लोकोमोटिव पे आपको ड्राइवर का स्टिकर लगाना है। ये देखिए यहाँ से लगता है ये ड्राइवर नेम का है, ये चीज़ ये लगाना पड़ता है ड्राइवर कैप। जब तक ये कैप नहीं लगा रहेगा तब तक ये इंजन चल नहीं पाएगा। मान लीजिए आपने नहीं लगाया और गेम डायरेक्ट सेव कर दिया तो आप इसको प्ले नहीं कर पाएंगे जब तक ये कैप नहीं लगेगा। कैप लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैप पे क्लिक करना है जो ड्राइवर का है और सीधे इंजन पे क्लिक कर देना। ये देखिए आगे लग गया कैप, ये लगना बहुत ज़रूरी है तभी आप रन कर पाएंगे। अब इसके पीछे मैं कोचेस लगाता हूँ, कोचेस लगाने के लिए यहाँ पे सेकंड वाले पे जाना पड़ता है, रोलिंग स्टॉक नाम का है ये।
यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें आपको मिलेगा BS नाम से भी मिल सकता है और IR नाम से भी मिल सकता है। इसमें सबसे पहले EOG लगाना पड़ेगा हमको। ये देखिए कोच का भी सेम होता है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिर्फ इस पर क्लिक करना और यहाँ से चेंज कर देना है। अब इसके बाद मैं ACT टायर लगाता हूँ जो फ्री वर्जन है। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, एक एक करके इसको लगाइए। अगर बहुत सारा एक साथ क्लिक कर देंगे तो इसमें एक साथ दोनों में ऐड हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। वो जब आप सेव करेंगे प्ले करेंगे तो उसमें एरर शो करता है ये बहुत बार, इसलिए एक एक करके लगाइए इसको। यूँ लगाइए इसको। अभी और मैं लगा देता हूँ 3-4। जितनी मर्जी हो आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर एक्सप्रेस कोचेज में 24 कोचेज होते हैं, 24। यहाँ पे EOG ऑन वाला मैं लगा ले रहा हूँ। ये देखिए पूरी ट्रेन कंप्लीट हो गई है। अब इसको रन कराने के लिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे दिखेगा आपको ये प्ले का बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेव का पूछेगा आपसे, सेव चेंजेस टू द करंट स्कैनरी। यहाँ पे आप यस पे क्लिक करिए। लेकिन इसमें एक गलती मैंने कर दी है, ये देखिए गलती नहीं हुई है। वो जब आप स्कैनरियो बनाएंगे तो उसमें वो चीज़ होता है कि जो प्लेयर ट्रेन होती है उसमें आपको टिक करना पड़ता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए रन होने के लिए तैयार है हमारी ट्रेन। ये देखिए फ्री रोम में जो होता है वो, अगर ट्रैक जो है ट्रैक रूट जो बनाने वाले ने अगर उसको ऑटो पे किया हुआ, तो अगर आप फ्री रोम में चला, फ्री रोम में मैं बताने वाला था कि इसमें जो ट्रैक होता है अगर रूट क्रिएटर ने ऑटो ट्रैक यूज किया है, तो अगर आप फ्री रोम में उसका रूट को यूज करेंगे तो वो मैनुअल हो जाता है ट्रैक। और जब स्कैनरियो बनाएंगे तो ऑटो मोड का अगर ट्रैक है तो ऑटो मोड ही पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए पूरी गाड़ी जा रही है। मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप स्कैनरियो क्रिएट करिए। मैं उसी रूट में स्कैनरियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए भी आपको बिल्ड में जाना पड़ेगा। बिल्ड में जाने के बाद आप रूट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधे ये रूट और इसके बाद स्कैनरियो का एक है और ये पब्लिश का है, सिर्फ आपको स्कैनरियो में जाना है। स्कैनरियो में जाने के बाद आप उसी रूट को सेलेक्ट करिए जिस रूट में आपको स्कैनरियो बनाना है। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे देखिए नीचे मैंने LDH अम्बाला सेलेक्ट किया है। अम्बाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू स्कैनरियो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसी पर रियो का नेमिंग करना है, किस नेम से वहाँ पे शो करेगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई भी चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं Test 3 लिख देता हूँ, Test Scenarios 3। Scenarios 3 स्टैंडर्ड पे रखता हूँ मैं, टाइम टेबल पे नहीं। और यहाँ रूट ओरिजिन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ क्रिएट पे आपको दोबारा करना पड़ेगा क्लिक। अब ये लोडिंग ले रहा है। मैं ये स्कैनरियो वहीं से स्टार्ट करूँगा, लुधियाना से नहीं अम्बाला से स्टार्ट इस बार।
ये देखिए ओपन हो गया है स्कैनरियो का टाइम। फर्स्ट टाइम आप चेंज कर लीजिए जिस पे आप स्कैनरियो का, मतलब आप ट्रेंड कब से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी, यहाँ से सबसे पहले यही चेंज करिए। इसका मैं टाइमिंग ले ले रहा हूँ 6 7 o'clock मॉर्निंग। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ इसका एरिया चेंज करने, अंबाला कैंट्स रखता हूँ इसका। अंबाला कैंट, मैं अंबाला कैंट पे आ गया हूँ। अंबाला कैंट पे आने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको प्ले ट्रेन लगानी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा सकते हैं। ये ओपन हो रहा है अपना, यहाँ से लगा दूँ। इसमें इंजन कोई भी ले लीजिए आप, IR Web 7 भी ले सकते हैं आप। ये देखिए फिर इस पे जो है आप ये लगाइए ड्राइवर वाला कैप लगा दीजिए, इसका चेंज कर दीजिए डायरेक्शन, ये आगे रहे। इसके पीछे आप कोचेस लगा दीजिए कोई भी कोचेस। कोचेस में कोई भी लगाइए। मैं हमसफर एक्सप्रेस का यूज़ कर दे रहा हूँ एक बार थर्ड से। ये देखिए एंड सम एसी टू टायर। इसके पीछे लास्ट वाला जनरेटर का लगा दिया। इसके लगाने के बाद सबसे पहले प्लेयर ट्रेन का स्टॉपेज डालना पड़ेगा हमको, और फाइनल डेस्टिनेशन डालनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये टाइम टेबल व्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। टाइम टेबल व्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे सर्विस वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप नेम कर सकते हैं इसका, जो भी एक्सप्रेस है उसका नाम डाल सकते हैं आप। मान लीजिए हम सफ़र एक्सप्रेस डाल दिया तो वहाँ पे वो हम सफ़र नाम से ही शो करेगा। सात बजे का टाइम है, यहाँ से प्लेयर ट्रेन के लिए सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। जब तक टिक नहीं रहेगा तब तक वो प्लेयर ट्रेन नहीं एक्टिव होगी, वो ट्रैफिक ट्रेन ही ट्रेन में ही एक्टिव रहती है, वो ट्रैफिक ट्रेन माना जाता है उसको। प्लेयर ट्रेन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट जो ये ट्रेन का आइकन बना हुआ है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आप इसकी कैटेगरी ले सकते हैं एक्सप्रेस पैसेंजर ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ से आपका इसका पहला स्टॉपेज देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको नहीं रोकेंगे। ये जो बीच में स्टेशन है अम्बाला सिटी, हम सीधा यहीं पे रोक देते हैं, पहला स्टॉपेज यहीं पे दे देते हैं। शंभू प्लेटफॉर्म नंबर 2, इसके लिए सब यहाँ पे स्टॉप करने के लिए पैसेंजर का यहाँ पे देखिए पिकअप पैसेंजर इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर इसी आइकॉन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो लिस्ट दिख रही है इसके साइड में, लेफ्ट साइड में एक आइकॉन बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करके यहाँ ये जो लाइन गई है ग्रीन कलर की, उस लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे जिस लाइन पे आपको ट्रेन को ले जाना है उसी लाइन पे आपको क्लिक करना है एकदम। जब क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉप। ये देखिए आ गया शंभू प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये देखिए रेड कलर की लाइन गई हुई, यहाँ पे गाड़ी आके रुकेगी। इसके आगे अभी रेड नहीं है, जब मैं अगला स्टॉप दूंगा तब यहाँ पे भी ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा कि ट्रेन इसी रास्ते से जानी है। दूसरा स्टॉपेज यहाँ पे रख लेते हैं, स्टॉप का नाम है राजपुरा जंक्शन मेन लाइन, राजपुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ पे रखते हैं स्टॉप सेकेंड वाला। और मैं यहीं पे फाइनल भी कर देता हूँ,
फाइनल के लिए यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा ये फाइनल डेस्टिनेशन, ये चीज़ यहाँ, ये जब तक नहीं बड़ा रहेगा तब तक ट्रेन नहीं चल पाएगी आपकी। इसका फाइनल डेस्टिनेशन ले रहा हूँ सेम जगह पे, ये जो है राजपुरा हाई पे, ये देखिए हो गया। अब सबसे ज़रूरी बात होती है पहले ट्रेन के लिए, यहाँ पे टिक होना ज़रूरी है, तभी पहले ट्रेन होती है, नहीं तो ये ट्रैफिक ट्रेन हो जाएगी। आप सेव करके ओपन करेंगे तो ये अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ट्रैफिक ट्रेन स्टार्ट होती है सेम ट्रैफिक ट्रेन ये भी है। जब टिक रहेगा तब आप ही के इशारे पे ये चलेगी, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये चलेगी। देखिए मैंने ये कर दिया, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये पहले हो जाएगी, ये देखिए पहले होने के लिए तैयार है। देखिए अब ये आगे बढ़ा सकता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैंने लिया। इसके लिए पहले आपको पेंटोग्राफ ऊपर करना पड़ेगा, तब ये ट्रेन चालू होगी, आगे बढ़ेगी। ये देखिए इसका ट्रैक जो है वो मैनुअली है, ऑटो पे नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में ट्रेन को ले जाना है, मुझे ही चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ उल्टा ट्रैक है तो उसको मेरे को ही सीधा करना पड़ेगा, जबकि ऑटो ट्रैक में क्या होता है, सब कुछ ऑटो पे रहता है, अपने आप ट्रैक चेंज होता रहता है अपने अपने टाइमिंग पे। बस आज के लिए इतना ही।